पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मां दे तहत मोहाली अदालत ने वीरवार रात नूं 2 बजे के करीब सबका DGP समेत सैनी नूं रिहा कर दिता। विजिलेंस वालों सैनी नूं बुधवार नूं दोपहर करीब 12:30 बजे मोहाली अदालत पेश किया गया सी अते देर रात 2 बजे तक वह कोर्टरूम विच ही रहे। 2 बजे मोहाली अदालत के जज ने हाईकोर्ट के 32 पन्नों की जजमेंट पढ़न तो बाद सैनी नूं रिहा करन दी कानूनी प्रक्रिया नूं पूरा किया। सैनी अपनी बुलेट प्रूफ गड्डी विच घर पहुंचे, गिरफ्तारी तो बाद उन्हें Z+ सुरक्षा भी रिलीव कर दी गई सी, पर अदालत वालों जमानत मंजूर करने तो बाद Z+ सुरक्षा वापस मंगवाई गई। उधर सैनी के इस मामले संबंधी पंजाब सरकार के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी ही सरकार से एक बार फिर तो वड्डा हमला किया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मौके 3 उच्च अफसरों तुरंत प्रभाव न हटाने की मांग की है। उन्होंने सबका DGP समेत सैनी को विजिलेंस की हिरासत से रिहा करने के हाईकोर्ट वालों हुक्म जारी करने तो बाद ट्वीट करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहा है कि प्रोफेशनल तरीके नाल काम करने विच कथित तौर पर नाकाम रहने वाले एडवोकेट जनरल सकत्तर, गृह सकत्तर ते चीफ डायरेक्टर विजिलेंस नूं तुरंत अहुदे तों हटाया जावे। ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੁਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ FIR ਨੰਬਰ 11 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਲੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4th ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 1। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਫਲੈਗਰੈਂਟ ਮਿਸਯੂਜ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬਾਏ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਜ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬਾਏ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।